कांग्रेस के पिल्लू तेरी गर्दन को झुका के रहूंगा। झुकेगी झुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? पिल्लू। जोर से बोलो, क्या नाम है? पिल्लू। पिल्लू 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 पिल्लू। आरएसएस का पिल्लू। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? पिल्लू 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 पिल्लू। आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे? इनका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं है। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा शेरवानी सर पे टोपी दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। सलाउद्दीन ओवैसी जी असदुद्दीन ओवैसी को लंदन भेजा के बैरिस्टर पढ़वाए, तो ये बैरिस्टर बन के माइनॉरिटी लोगों का हिफाजत करे, उनके हक के लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनका आवाज उठाए, इसीलिए सलाउद्दीन ओवैसी जी इनको बैरिस्टर पढ़ाए। इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है? इनको बेल दिलासे वाले कौन है? दुब्बा का एमएलए रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का एमएलए। बैरिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं? बैरिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे काकी निकर है आपके? ने बार बार मेरे बारे में आप कह रहे। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दरसलाम जो जागीर है जायजाद है, कासिम रिजवी का जायजाद है, वो आपको तो पता है ना, वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? आपके वकील कौन है? बस इतना जवाब दो। रघुनंदन राव आपको बेल दिलवाया नहीं दिलवाया? रघुनंदन राव बीजेपी का एमएलए है या नहीं है? गोशा महल के राजा सिंह के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा ये दो सवालों को आप जवाब दो, बात की बात दूसरे बात करेंगे। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता हेट स्पीच के जरिए, दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है, तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है सर पे टोपी है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। अरे तुम आरएसएस से आए और तुम शेरवानी की बात कर रहे? इंदिरा गांधी हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स को आई थी शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में, जब शेरवानी से आके मदद पूछे तुम, तुम्हारा न्यूक्लियर डील हुआ तो तुम शेरवानी तुम्हारा दाढ़ी रखने वाला तुम्हारा साथ दिया, आज हमको आप रजाकारों से जोड़ रहे हैं। अरे तुमको तारीख नहीं मालूम, तुम कमजोर है हिस्ट्री में, पढ़ो कभी। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज ठहर कर तुम्हारे आरएसएस के लोगों में आंख डाल के लड़ रहे, और इंशाल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम आरएसएस अन्ना को हराएंगी। और तीसरी बात ये भी, हाँ यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ,
भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आप बयान दे दो, भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया आगे भी जाऊंगा, मगर आपका भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप ही यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पिरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था, अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में दिल में जो है वही काम करते, बीजेपी का एमएलए सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए, कर्नाटक चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटक चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने, ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? ये बात छोड़ो भाई, आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है, गोशा महल में आपका दार सलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से, जहां पर अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल से चुनाव लड़ रहे, एक माइनॉरिटी को जिता के हिंदुस्तान का शान, हिंदुस्तान का निशान अजहरुद्दीन को हम एमएलए बनवा के आगे सरकार में उनको अच्छा पोजीशन देने के लिए, एक माइनॉरिटी नेता बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो उनके खिलाफ और एक माइनॉरिटी को चुनाव में लड़वा के आप उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे, जहां पर गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बात बोलते हो, वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो, वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ।